Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Show me some energy first. How is the Josh? How is the Josh? How is the Josh? Thank you so much. Thank you so much. स्टेज पे आने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास तीन तरह के बच्चे इस टाइम है. पहले वो जिन्होंने क्वालिफाई किया है, और वो जो इस रेस में अभी है, और वो जिनको अभी आना, जिन्होंने किया है उनके लिए अब वो जो मेरी वो चाहत थी वो थोड़ी सी कम हो गई है. अब मैं ज्यादातर उनको देखना चाहूंगा जिन पे हम अभी इस टाइम निर्भर करते हैं, यानी कि जिनको जो नेक्स्ट फंक्शन होने वाली है. आप इस टाइम सुन सकते हैं कि हमारे पास एनर्जी इतनी है, जब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन जो हो जाए, जो नेक्स्ट साल हो जाए, होगा हमारा, वहां पर हमारे पास कितनी एनर्जी होगी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं. तो वो तब पॉसिबल है जब हमारे पास जो हमारे पास इस टाइम नीड मैच है, जिन पे हम सारे इस टाइम लगे हुए हैं, चाहे मैनेजमेंट की बात करें, चाहे हम टीचर्स की बात करें, चाहे हम स्टूडेंट्स की बात करें. मैंने जिंदगी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, मगर हमारा जैसा बैच किसी जगह पे नहीं है. ये सब कुछ करने के लिए रेडी है, एक्सेप्ट पढ़ाई. पढ़ने के बगैर ये सब कुछ करेंगे, कहीं पर भी बोलो बैठने के लिए हर जगह में बैठेंगे, मगर पढ़ाई ये कभी नहीं करेंगे, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है. एक्चुअल बात ये है कि जो हमारे पास जो हमारी एनर्जी है, बोलते हैं ना, रहते हैं वो लोग खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं. हमें बोलने की जरूरत नहीं है. हम क्यों बोलेंगे? हमारे लिए बोलने वाले आप लोग हैं. आप देखो कि हम फिर के इतनी एनर्जी शो करते हैं. जब हमारा अपना टाइम आएगा, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा नीट टॉपर होगा, सिटी टॉपर होगा, आप देखो कि रईस सर के पास तब कितनी एनर्जी होगी, आकिब सर के पास कितनी एनर्जी होगी. ये हमारी खुशनसीबी है कि हम उस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करते हैं. अपनी बात में नहीं बोलना चाहता हूं, ये हर एक फैकल्टी मेंबर, हर एक मैनेजमेंट मेंबर जानता है कि हम उस शख्स के अंदर काम करते हैं जिसके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर होता है, जहां पर हर एक टाइम पे सीखने को मिलता है. मैं दो जगह पे चुप हो जाता हूं. एक, आपको तो पता है कि मैं क्लास में भी सबसे ज्यादा एंजॉय कराता हूं, तो मैं दो जगह पे चुप हो जाता हूँ. एक मेरा जो पापा है उसके सामने, दूसरा लतीफ सर. लतीफ सर को पता भी है, लतीफ सर मुझे बोलता भी है कि आप मेरे सामने चुप क्यों होते, आप साइलेंट मोड में क्यों होते. जहां पर सीखने को मिलता है वहां पर बात करने की जरूरत नहीं होती. बोलते ना, मेहनत अच्छी है तो रंग लाती है, मेहनत नादा है तो टूट जाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको पाती है, मेहनत एस्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और टीचर जैसे आपका इतिहास बनता है. टाइम बहुत कम टाइम में आपने ये दिखा कर रखा है कि हमने इतिहास रचा है. एक साल में हमने 5 सिलेक्शन दिए. आप देखो कि नेक्स्ट साल हमारा कैसा होगा, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारा टीम बोल रहा है, ये हमारी मैनेजमेंट बोल रही है कि 24 में हमारा टॉपर होगा. आप एक्सपेक्ट करोगे इसके अलावा जो हमारे बच्चों का 23 का रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा. बाकी अगर मैं अपनी बात करूंगा, हर एक टाइम पे मुझे सीखने को ही मिलता है. मुझे हम ये इसको बोलते हैं कि एस्पायर इंस्टीट्यूट नहीं है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक फैमिली है. मुझे सच में मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट किया गया है. चाहे मैं नतीफ सर के थ्रू बोलूं, चाहे मैं मैनेजमेंट के थ्रू, चाहे मैं शबीर सर के थ्रू बोलो, आखिर सर, तहुल सर, हर एक से मुझे सीखने को मिला. और मुझे लग रहा है कि सच में मुझे लग रहा है कि मेरी ग्रोथ हो रही है. और मुझे अभी तो मेरी एज हो रही है, तो मैं कहां पर पहुंचूंगा जब जब जिनके साथ मैं कंपीट कर रहा हूं इस टाइम, उनकी एज बहुत ज्यादा, उनकी एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा. जब मैं उनके एज पे पहुंचूंगा मैं पता नहीं कहां पे हो जाऊं. बिकॉज मुझे पता है कि ऐसा गाइड है, मुझे पता है कि ऐसा सपोर्ट है जहां पर आप अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकते हो. मैं हमेशा बोलता था आपको कि अल्लाह पे विश्वास रखो. किसी का जो हमारे पास जो फैसले होते हैं, अल्लाह ताला किसी का फैसला कुछ टाइम तक रोकता है और कुछ टाइम किसी को अपना जो रिजल्ट हो जिसका फैसला तो जल्दी शो करता है. इनका रिजल्ट जो है, इनका जो फैसला था, इनका फैसला शो हो गया. अब इनका फैसला कुछ टाइम तक रोका गया, इसलिए हो सकता है कि शायद
अब ये नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ये इससे बढ़कर आए, ठीक है। मैं अपनी बात बोलूंगा कि मैं एमबीबीएस में ड्रॉप हो गया, हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैं एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता था, हो सकता है कि ये कि मैं एक अच्छा टीचर बन सकता। और अल्लाह ताला को पता होता है कि जो हम पर मेरी नीड है सोसाइटी को देने के लिए, वहां पर उसको जैसे कि इक्वालिटिकल बैलेंस होता है ना, उसी तरीके से दुनिया को इस निजाम को चलाना होता है। तो हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है, हर एक को दिखाया जाता है। तो हमारा हो सकता है कि मैं अपनी बात नहीं, मैं अगर लतीफ सर की बात करूंगा, अल्लाह ताला को शायद ये पता थी कि ये डॉक्टर अच्छा नहीं बन सकता, टीचर ऐसा नहीं बन सकता, ये ऐसा इंसान बन सकता जिसका जो एक बात की वजह से किसी का करियर चेंज कर सकता है और किसी का रास्ता चेंज करता है। मैंने इसका मैं गवाह हूं कि ऐसे पेरेंट्स आते इसके पास कि बेटा हमारा है ऐसा करता है, एक काउंसलिंग करता है, पता नहीं वो उसका जो रास्ता वो था उसको वो सीधे रास्ते पे आता है, ठीक है। तो हमें अल्लाह ताला पे भरोसा होना चाहिए। आपका भी दिन आएंगे जब आप यहाँ पर आ जाओगे और आपकी सेलिब्रेशन हम इससे भी बढ़कर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।